नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या फोर्थ में राजस्थान में पर्यटन विकास के चैप्टर में बहुत ही उपयोगी टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार विश्वविद्यालयों की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं और इनके अहले तो सुझाव बताइए। तो बताएंगे आपको इसकी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और कौन कौन से इनके सुझाव हैं। पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन सी भूमिका रही है, तो उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में पर्यटन जो स्थल हैं उनकी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और हम उनके समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या अपने राजस्थान के अंतर्गत समस्याओं की हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है अपने भूमि की समस्या। कोई भी पर्यटन स्थल पर आप जाते हैं तो वहाँ पर एरिया इतना कंजस्टेड होता है जिससे पर्यटनों को काफ़ी समस्याएं सहन करनी होती हैं। तो भूमि की समस्या एक अहम समस्या है जो पर्यटन के विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में होटलों की स्थापना व अन्य सुविधाओं की उपलब्धि पर निर्भर है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तेजी विकास हो रहा है। जब होटल और पर्यटन इकाइयाँ समाप्त की जा रही हैं तो काफ़ी समस्याएँ अपने सामने आ रही हैं कि उस जगह पर उपलब्ध भूमि नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। दूसरी समस्या, केंद्रीय व राज्य पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता। केंद्रीय एवं राज्य पूंजी, केंद्रीय राज्य पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता। केंद्रीय राजस्थान सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता सही तरीके से नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से ये समस्याएं हैं। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए पूंजी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार पर्यटन क्षेत्रों के अभाव को ध्यान में रखते हुए नए प्रोजेक्टों के लिए पूंजी सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उद्यमकर्ता इस क्षेत्र का आकर्षक या उसका विकास कर सके। दिसंबर 1993 में राज्य में पर्यटन विकास के लिए एक पूंजी निवेश की सब्सिडी योजना बनाई गई, जिसमें हेरिटेज होटलों को छोड़कर अन्य पर्यटन इकाइयाँ जैसे एक सितारा व उसके ऊपर की श्रेणी होटल मार्ग में या अनेक प्रकार की सब्सिडी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। इसमें सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दे करके करनी चाहिए, जिसमें हेरिटेज हवेलियां हैं उनको काफ़ी डेवलप किया जा सके, एक उदार शर्तों पर ऋण की व्यवस्था। पर्यटन स्थल पे अगर डेवलपमेंट करना है तो पर्यटन क्षेत्र के विकास में उद्योगों की तुलना में अधिक समय लगता है, इसलिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज की शर्तों को अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। इनको 10% मार्जिन मनी पर कर्ज मिलना चाहिए, जिसे ब्याज व मूलधन सहित पुनर्भुगतान की अवधि 15 वर्ष तक रखी जानी चाहिए, जिसमें अलग अलग नगरों ऋण चुकाने की अवधि कानूनी छूट 3 से 7 वर्ष तक रखी जा सकती है। इस छूट की अवधि बढ़ाने के लिए उद्यमकर्ता को की सहलियत होनी चाहिए, क्योंकि पर्यटन प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन में सामान्यतः अधिक विलंब भी होता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है इनके समस्याओं में। दूसरा, नए होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी की व्यवस्था।
इक्विटी पूंजी की व्यवस्था होना चाहिए नए होटलों के विकास के लिए, जिसकी स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जब वित्तीय संस्थाओं के कर्ज पर आश्रित होने से ब्याज का भार बहुत ऊंचा हो जाता है, तो इसलिए होटल उद्योग के लिए सब्सिडी कर्ज के आधार पर इक्विटी पूंजी की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे निजी उद्यमीकर्ताओं द्वारा होटल के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और ये कार्य रिको द्वारा उद्योगों की भांति होटल निर्माण के लिए भी किया जा सकता है और एक पर्यटन उद्योग विकास के निगम की स्थापना केंद्रीय व राज्य स्तर पर की जा सकती है, ताकि उद्यमकर्ताओं के वित्त का अभाव का सामना न करना पड़े। ये भी एक महत्वपूर्ण है। नए होटलों की व्यवस्था के लिए इक्विटी पूंजी एक करों की रियायतों में छूट देनी चाहिए। करों व रियायतों में छूट देनी चाहिए। करों व रियायतों में छूट किस प्रकार से देनी चाहिए? बिक्री करके प्रारंभिक तीन से सात वर्षों के लिए विभिन्न श्रेणियों के महानगरों के अनुसार छूट देनी चाहिए, ताकि पर्यटन क्षेत्र विदेशी विनिमय अर्जित करने में मदद करता है। इसलिए पंजीकृत विश्राम गृहों होटलों को अल्कोहल पेय पदार्थों पर आबकारी शुल्क में कुछ छूट देने का विचार भी किया जा सकता है, जिसमें बियर की बिक्री पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें होटलों में प्रयुक्त आयातित उपकरणों व साज सज्जा आयात शुल्क में 50% की छूट की जानी चाहिए, जिसमें डीजल जेनेटिक सेट खरीद को आसानी से सब्सिडी दी जा सके। एक होटल विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। होटलों के विकास के लिए अन्य विशेष सुविधा, होटलों के विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएं होनी चाहिए, जिसमें होटलों का विकास करने के लिए भवन निर्माण सामग्री के आवंटन इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष कोटा निर्धारित किया जा सके, जिससे पानी व बिजली की दरों का निर्धारण उद्योगों की भांति किया जाना चाहिए। जो रियायतों व छूटों नए उद्योगों में दी जा रही हैं, वे पर्यटन क्षेत्रों में भी दी जानी चाहिए। दूसरा, पर्यटनों के विकास के लिए निवास की उचित व्यवस्था या पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार। पर्यटनों के विकास के लिए निवास या जो रहने वाले हैं निवास स्थल, उनका काफ़ी विस्तार होना चाहिए, जिससे आसानी से महत्वपूर्ण रूप से वहाँ रुक सकें और वहाँ के प्रकृति के या पर्यटन स्थलों को आसानी से देख सकें। तो इस प्रकार है, एक परिवहन का समुचित विकास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहाँ पर भी काफ़ी ये समस्याएं हैं। एक परिवहन सुविधाओं में सुधार, आयात निर्यात यातायातों का एक महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका निर्वहन, जिसमें परिवहन सुविधाओं का जब विस्तार होगा तो आसानी से अपने होटल में रुक सकेंगे और आसानी से पर्यटन स्थलों को देख सकेंगे। ये भी एक मनोरंजन सुविधाओं का विकास भी होना चाहिए। मनोरंजन सुविधाओं का विकास, ये भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। पर्यटन उद्योग क्षेत्र में जो मनोरंजन की सुविधाएं हैं उनका काफ़ी विस्तार होना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण। एक हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था है। पर्यटन विसाव और अनेक प्रकार के सुझाव हैं जो कि लाइसेंस प्रकार हैं, तो और भी अनेक प्रकार के अपने सुझावों की हम बात करें, जो भी हैं अन्य सुझावों की बात करें, लाइसेंस वगैरह हैं वो पूर्ण रूप से लागू किया जा सके। अब हम इसके समस्याओं के अलावा इनके सुझावों की हम बात करें, तो सुझावों में पर्यटन के विकास के लिए कानून व्यवस्था को किसी प्रकार से कमी नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पर्यटकों पर भिखारी तंग न करें, इधर उधर घेरने का प्रयास न करें और किसी प्रकार की अशिष्ट अश्लीलता का व्यवहार न हो। पर्यटन उद्योगों को लपका प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्व पर्यटकों को ठगने एवं अवांछनीय कार्य करते हैं जिसमें उद्योगों की बदनामी होती है। यह भी एक प्रस्ताव है, पर्यटन पुलिस बनाई जानी चाहिए जिसमें पर्यटकों की शिकायत निवारण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमें राज्य में आने वाले देश विदेशों पर्यटकों के सुझावों का पूरा ध्यान देना चाहिए और सभी प्रकार के सुविधाओं से साधनों को बेहतर बनाया जाए ताकि पर्यटनों का काफ़ी क्या हो सके, विकास हो सके। इस प्रकार देश में कानून व्यवस्था को स्थिति सुदृढ़ करना चाहिए ताकि लोग निर्भय होकर देश में भ्रमण कर सकें। इसलिए सरकार को यह भी चाहिए कि आवश्यक कदम उठाकर सामान्य बनाए ताकि होटलों के निर्माण और कर्मचारी ड्राइवर गाइड हस्तकरघा आदि को रोजगार में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो सके और उद्योगों का निरंतर बढ़ोतरी हो सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, हमें विभिन्न प्रकार की जो पर्यटन स्थल हैं, झील हैं, उनको भी है। तो इस प्रकार राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम की भी अहम भूमिका रही, राजस्थान विभिन्न कार्यक्रमों का भी एक इसमें सहायक तरीके से क्रियान्वयन रहा, जो सरकार एक विभिन्न तरीके से क्रियान्वयन कर भी रही है और सरकार पर्यटन स्थल में सरकारी प्रयास भी काफ़ी किए जा रहे हैं। जो सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास हैं वो विभिन्न बजटों के माध्यम से करवा रही है। तो इस प्रकार हम पर्यटन के क्षेत्र में हमने विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की। इसी क्रम में हम राजस्थान के पर्यटन उद्योग की समस्याओं को समाधान करें तो पहले तो भूमि का विस्तार हो, एक ये सबसे बड़ा बिंदु है। विस्तार में एक केंद्रीय व राज्य पूंजी की सब्सिडी की वित्तीय सहायता देनी चाहिए, उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध आसानी से करवाया जाए, उसकी व्यवस्था करवाया जाए, होटलों की स्थापना के लिए सब्सिडी की व्यवस्था हो, करों में छूट है उनकी छूट की दर को बढ़ाया जाए, होटलों के विकास में विशेष सुविधा उपलब्ध की जाए, पर्यटनों के लिए निवास जो स्थान हैं उनका काफ़ी प्रसार विस्तार होना चाहिए, परिवहन सुविधाओं का विस्तार सुगम तरीके से हो, मनोरंजन सुविधाओं का विस्तार हो और भी अनेक प्रकार की क्रियान्वयन में पर्यटन स्थल एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में पर्यटन के स्थल में अगले वीडियो में सरकार क्या क्या कार्यक्रम चला रही हैं, क्या क्या क्रियान्वयन कर रही हैं जो कि पर्यटन स्थल एक महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के द्वारा विभिन्न तरीके से किया जा रहा है कि राजस्थान में पर्यटन स्थल का निरंतर किस प्रकार से विकास रहे। तो हमें पर्यटनों के निरंतर विकास की ओर हमें अग्रसर ध्यान रखनी चाहिए, जो कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाहर से देश विदेश से पर्यटक आते हैं उनका आसानी से उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं पर गहन विचार भी करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की कि राजस्थान में पर्यटन अपने बहुत अधिक मात्रा में विदेशों से अर्जित आय होती है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है और देश की अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो देश व्यापक तरीके से क्रियान्वित करता है और देश प्रगतिशील समाज की ओर अग्रसित भी होता है। तो इस प्रकार राजस्थान में पर्यटन की समस्याओं के सुझाव की हम बात करें तो ये बहुत ही उपयोगी व इम्पोर्टेंट सुझाव हैं और भी विभिन्न प्रकार के सुझाव हैं उनकी साज सज्जाओं के बारे में और भूमि के सुधार केंद्रीय उदार नीतियों आदि का सही तरीके से इनका गठन किया जाना चाहिए। आगे हम इसी क्रम में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन विकास के लिए कौन कौन से ऐसे सरकारी प्रयास किए गए और कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन सी नीतियाँ हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो हम इसी क्रम में चर्चा भी करेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे भी। तो हम अगले वीडियो में अगली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट संख्या 5 में भी उद्योगों के बारे में कि ऐसे ऐसे कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो राजस्थान में तीव्र गति या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक अहम तरीके से या अहम गति के रूप में क्रियान्वित हो रहे हैं। तो हम अगले वीडियो में राजस्थान की औद्योगिक नीति के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की औद्योगिक नीति या उद्योगों
के कौन कौन से ऐसे कारण रहे और कृषि वित्त के विभिन्न स्रोत और कृषि वित्त की कौन कौन सी कमियां केसीसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू।